एम यू पी एस अकुल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। एम यू पी एस अकुल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 24 अक्टूबर गुरुवार को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की घोषणा चारों तरफ हुई, जिसमें अकोला विधानसभा के पांचों क्षेत्र का रिजल्ट सामने आया। मगर अकोला पश्चिम में बीजेपी के गोवर्धन शर्मा और कांग्रेस के साजिद खान पठान के कांटे की टक्कर चली। अकोला पश्चिम के साथ साथ सभी आसपास के क्षेत्रों की नज़र अकोला पश्चिम के नतीजे पर थी। जब जब आंकड़े आगे पीछे होते तब तब जनता की धड़कनें तेज़ होने लगती। काफ़ी देरी के बाद अकोला पश्चिम का नतीजा सामने आया, जिसमें पता चला कि आखिर जीत बीजेपी की हुई। बीजेपी के गोवर्धन शर्मा आखिर में साजिद खान पठान से 2593 वोटों से विजयी घोषित हुए। मगर अकोला की जनता ने भी साजिद खान पठान को अपनी एकता का सबूत देकर हिम्मत दी। साजिद खान पठान ने भी अकोला की जनता का शुक्र अदा किया। मैं अकोला शहर के सभी मतदाताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन लोगों ने बहुत भारी मतों से मुझे वोट दिया। दुर्भाग्यवश हमें 2000 वोट कम पड़ गए। तो जितने भी मेरे यहाँ आए हुए समर्थन से मैं कहता हूँ, ये शहर हमारा है, इसकी सुव्यवस्था रखना हमारी जवाबदारी है। और मैं खास तौर से मेरे वोटरों को कहता हूँ, मेरे समर्थकों को कहता हूँ कि आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस शहर का जातिवाद खत्म हुआ। इस शहर में सबसे ज्यादा वोटिंग सेकुलर पार्टी को, कांग्रेस को मिला। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण 2000 वोट से हम कम पड़ गए। मुझे सभी समाजों का वोट मिला है, मैं सभी समाजों के मतदाताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं प्रयत्न करूंगा, मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके वोटों से आमदार नहीं बन सका, लेकिन मैं अभी विरोधी पक्ष नेता हूँ और आपके मसले मैं विरोधी पक्ष नेता की कुर्सी पे से हल कर सकता हूँ। ये मेरे में इतनी हिम्मत है, इसलिए आप घबराओ मत, मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा हूँ। एक नज़र पांचों क्षेत्र के नतीजे पर। अकोट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रकाश भरसाकड़े को अकोट की जनता ने 48,586 वोटों से जिताया, जबकि वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार संतोष राहटे को 41,326 वोट मिलने पर दूसरे स्थान पर जगह दी। तो अनिल गावंडे, जो कि अपक्ष थे, उन्हें 28,183 वोट देकर तीसरे स्थान पर जगह दी गई। बालापुर से शिवसेना के उम्मीदवार नितिन टाले को बालापुर क्षेत्र की जनता ने 71,343 वोटों से जीत दिलाई, जबकि वंचित आघाड़ी के धैर्य वर्धन फुंडकर को 50,555 वोट देकर दूसरे स्थान पर पहुंचाया। तो एमआईएम के उम्मीदवार डॉक्टर रहमान को 44,507 वोटों से तीसरे स्थान पर जगह दी। मुर्तुजापुर विधानसभा से हरीश पिंपड़े को, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, उन्हें मुर्तुजापुर से 59,527 वोटों से जीत मिली, जबकि वंचित आघाड़ी से प्रतिभा औचार को 57,617 वोटों से दूसरे स्थान पर जगह दी गई। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस से रवि राठी को 41,155 वोटों से तीसरे स्थान पर जगह मिली। अकोला पूर्व से बीजेपी के उम्मीदवार रणधीर सावरकर को अकोला पूर्व की जनता ने 1,475 वोटों से जिताया। तो वही वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार हरिदास भदे को 75,752 वोट देकर दूसरे स्थान पर रखा। कांग्रेस के उम्मीदवार विवेक पारस्कर को 9,533 वोट देकर तीसरे स्थान पर रखा। अकोला पश्चिम की जनता ने बीजेपी के गोवर्धन शर्मा को 73,262 वोटों से विजयी किया। तो वही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार साजिद खान पठान को अकोला पश्चिम की जनता ने भी 70,669 वोटों से दूसरे स्थान पर रखा, जबकि वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार मदन भरगड़ को 20,687 वोटों से तीसरे स्थान पर जगह मिली।